प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। लोकसभा का माहौल गर्म होते हुए दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी के तरफ से शिवसेना ने वैशाली दरेकर, जो कल्याण डोंबिवली के एक जमाने में सबसे आक्रामक नेता करके पहचानी जाती थी, वो विरोधी पक्ष नेता भी थी, उसको उम्मीदवारी दी। पैसे की एक तरफ पैसे का दरिया खुल रहा है, दरिया बैग भी नहीं, दरिया खुल रहा है, और दूसरी तरफ एक औरत जिसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये भी नहीं, पर लड़ने की जिद है। मैं मुमरा वासियों से कहूंगा कि आप देश के हालात देख रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ते हुए आप देख रहे हैं। मुमरा में जो धर्मांतरण का सवाल आया था तब कोई नहीं आया था, तब एकलौता जितेंद्र आवाड़ पुलिस से उसको झगड़ के एक आदमी को उठाने नहीं दिया, हालांकि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ आ चुकी थी। ऐसे कई दाखले में दे सकता हूं, मुझे नहीं देने, क्योंकि ये चुनाव गली गटर इसका नहीं है, ये चुनाव है क्या संविधान बचेगा इस देश में, क्या गणतंत्र बचेगा इस देश में, क्या धर्मनिरपेक्षता बचेगी इस देश में। ये 3 प्रमुख सवाल लेके आपको जाना है। बेकारी, महंगाई, ये तो अब ऊपर 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 ही जा रही है, हमारे बाजू बाजू के सभी राष्ट्र से हमारे संबंध खराब हो चुके हैं, इसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। सवाल इतना ही है, संविधान बचेगा कि नहीं? खुले उनके लोग बोल रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। तो ये हालात में मुमरा वाले क्या पसंद करेंगे? अमन शांति, ये देश सुरक्षित रहे, यही आपके दिल में होगा ना। मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, देश का आम नागरिक क्या चाहता है? देश का आम नागरिक चाहता है कि ये देश का संविधान बचाया जाए, इस देश की जो परंपरा है वो बचाई जाए, और देश में धर्मनिरपेक्षता बची रहे। ये जो ताकतें हैं जो भारत को भाषा के नाम पे, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ना चाहती है, उनको कहीं ना कहीं रुकाने की कोशिश करनी चाहिए, और हम सब मिलके उनको रुकाना चाहिए। इसलिए मैं आदब के साथ आपके सामने सर झुका के बोल रहा हूं कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है, फिर से कभी चुनाव होगी कि नहीं ये हमें पता नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं ये सोच लो, और मतदान को उतरो। लोग चाहे कुछ भी बोले, मैंने तो सुना कुछ लोग हैं जो हमारे से टूटकर बाहर गए हैं, किसी बड़े नेता के साथ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि नोटा को दो। अरे कमल की दलाली क्यों करते हो, भारतीय जनता पार्टी की दलाली क्यों करते हो, अरे इतनी हिम्मत है तो बोलो कमल को दो, हिम्मत है ना आप में, कमल को दो। जो लोग ये बोल रहे हैं नोटा को दो नोटा को दो, ये बीजेपी के पेड़ दलाल है, पेड़ दलाल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपको मालूम है कौन क्या कर रहा है, और मुझे यकीन है कि मुमरा के भाई ये नोटा फोटा टोटा इसके ऊपर सोचेंगे भी नहीं, और इनकी जो राजनीतिक तो पूरी मिट्टी में मिल गई, जिस दिन उन्होंने ये प्रचार शुरू किया उनकी राजनीतिक जीवन का अंत हो गया।
जब भूमिका ली जाती है तो भूमिका ली जाती है, पैरों पर खड़ा हो जाता है आदमी भूमिका लेके। जैसे हम धर्मांतरण के वक्त में खड़े रहे, कोम्बिंग ऑपरेशन के वक्त खड़े रहे, जो भी अन्याय और अत्याचार हुआ, हम यहां आके पूरे देश के सामने दो पैरों पे खड़े रहे, हम ये नहीं, तो ये देश बचाना है। और इसीलिए वैशाली दरेकर की निशानी है मशाल, मशाल का बटन दबा के उसको मुमरा से, कौसा से, शील से बहुत भारी मत बहुमत दीजिए, ये मैं आपको विनती करता हूं।